मध्य प्रदेश के भिंड जिले में वन विभाग के कर्मचारियों ने डीएफओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने डीएफओ पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों ने बताया कि कार्यालय के निर्धारित समय से ज्यादा समय तक अनावश्यक कार्यालय में डीएफओ रोक कर रखते हैं और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की धमकी भी देते हैं। वहीं इस मामले को लेकर शुक्रवार को कर्मचारियों ने ग्वालियर वन मंडल अधिकारी से इसकी शिकायत की है। जब इस संबंध में डीएफओ से पूछा गया तो वे कैमरे से बचते नजर आए। शायद बिल्डिंग इससे कम चटकी थी और इसमें काम अपने ही धर्म के किसी व्यक्ति को बुला के करवाएगा मुरैना से, मतलब भिंड में कोई व्यक्ति नहीं मिला इनको, कोई ठेकेदार ही मिला है। उसके बाद इसमें से जो भी पैसा लगा और इन लोगों ने आपस में बंदर बांट करके खा लिया है ये सिस्टम है। और बाकी का निविदा वगैरह की कुछ प्रोसेस होती है, मतलब गवर्नमेंट के कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशन है, हम लोग बताते हैं जैसे हम बाबू वगैरह तो बताते हैं, मानते ही नहीं, मतलब जबरदस्ती काम, दबाव पूर्वक काम, मानसिक प्रताड़ना, और हम लोग बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़े थे और हम कुछ भी गलत करने के लिए भी जा सकते। शायद बिल्डिंग दबाव बनाते हैं जबरदस्ती का, आज रात में भी कार्यालय खोल के रखा है। किस तरह का दबाव बनाते हैं? जबरदस्ती काम कराते हैं, मतलब भ्रष्टाचार के उसमें। अक्सर ये बताइए कि मतलब भ्रष्टाचारी किस मद में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है? और बिल्डिंग देख लो आप, ये बिल्डिंग है, इसमें अभी भ्रष्टाचार हुआ है।